जागो 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 जागो। सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहता हूँ, कितने लोग इधर शादीशुदा नहीं है वो कृपया हाथ ऊपर उठाए। अबे यार हम गलत जगह में इतना मोटा कैसे हो गया रे? हेलो कौन पंडित? अरे तुम मत बना रे भाई, तू पल पल में कहाँ गया? उम्र हो गई, शादी कब करेगा रे? तेरी उम्र हो गई शादी, मैं थक गया। सुन के चौथा दिन अंकल आके पूछे, नवीन शादी कब करेगा, तेरी उम्र हो गई। बोला अंकल आपकी उम्र कितना है? 72। अंकल मेरा दादा तो 70 में मर गया, आपका उम्र हो गया। Hey guys, welcome back to my channel। और आज का दूसरा दिन है, हम लोग त्यौहारों के निकल गए और बहुत सारी बसेस चली गई है, तो हम लोग अपने क्राइसगढ़ में हम लोग रुके हैं और यहाँ से हम लगभग हम लोग जाएंगे 1 घंटा का ट्रैवलिंग करके। जब पहुँचते हैं वहाँ पर फिर वहाँ का शीशा नाच दिखाते हैं, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है। तो फिलहाल मैंने इन गाइज हम लोग पहुँच चुके हैं, एंटर कर चुके हैं। और हाँ, आपको बताना भूल जा रहा हूँ, काफ़ी इन्जॉयमेंट भरा दिन बीत रहा है तो गला ही बैठ जा रहा है। आप लोगों को मेरी भाई जान से समझ नहीं आ रही हो, मगर अभी अच्छा दिन है और लोगों से मिलवाता हूँ। जब Hey guys, आप लोग देख सकते हैं हमारे ब्लॉगर साहब यहाँ पे सामान खरीदने के लिए टोकन ले रहे हैं। भाई तो बोल दो यार, टोकन यू इफ यू वांट। Yes, so please.
race together for the third part of India. Hallelujah. And together we are Prince Harold. We are a Lord and Angel. Praising you, giving thanks to you for the great community of Jesus here. Thank you so much, Lord. हे गाइस गुड मॉर्निंग। और आज है तीसरा दिन और हम लोग उठ चुके हैं और ना तो बैठा ही, धीरे धीरे करके ठीक हो रहे हैं। हमारे सारे भाई लोग तैयार हो चुके हैं और हम लोग लेट भी हैं, तो फिलहाल जल्दी से बस में बैठते हैं और चलते हैं। हस्ता कर लिया है, फिर उसके बाद यहाँ पर लिस्ट देख रहे हैं। तीसरा दिन है, वो अपने को कौन सा कॉन्सेप्ट जाना है और क्या क्या फंक्शन अटेंड करना है और ये सब हम लोग देख रहे हैं और टाइमिंग हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कितने कितने सीटें हैं और क्या हैं। तो हम तो जल्दी जल्दी करके फूल होने से पहले पहुँच रहे हैं। फिर भाई मार्केट यहाँ टी शर्ट रोजरी और बहुत सारे आइटम हैं तो अपने घर वर्ग ले जा सकते हैं। तो हम लोग जाते हैं और देखते हैं कि क्या क्या अवेलेबल है और खरीदते हैं और आप लोगों को भी दिखाते हैं। सकते हैं यहाँ बस अपना टी शर्ट मिल रहे हैं और बहुत सारे कुछ आइटम्स हैं और हमने बहुत सारे शॉपिंग कर चुके हैं। शर्ट और रोजरी है और भाई लोग शॉपिंग कर रहे हैं और ये जो टिकट ऐसे देखिए टोकन वोकन कटवाना पड़ता है तो हम लोग अभी शॉपिंग कर लेते हैं। ले भाई प्लीज साइन इट, प्लीज साइन। ग्रेट यूट्यूबर जयन लकड़ा जी, पास इट ऑन। यामाहा रेसिंग टीम अरे तुम मत बना रहे भाई, तू पल पल में कहाँ गया? ब्रदर नवीन, ये पॉपकॉर्न तू इतना मोटा कैसे हो गया रे? प्रेज द लॉर्ड। आजा आजा मैडम, आजा। अभी बैंगलोर से ज्यादा दूर नहीं, 3 घंटे की दूरी पे रहते हैं मैसूर। मैं भैया भाभी से निवेदन करता हूं कि वो स्टेज पे आकर के
सबसे पहले मैं यही सवाल पूछना चाहता हूं, कितने लोग इधर शादीशुदा नहीं है वो कृपया हाथ ऊपर उठाएं। अबे यार हम गलत जगह में हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने देखा अभी तक शादीशुदा नहीं है, मुझे इसलिए अच्छा लगा कि वो लोग अपने आप को तैयार कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात जो भी शादीशुदा है आपसे सवाल पूछे मैं, आपने क्यों शादी किया? जवाब मैं ही बताता हूं, ठीक है? तो लड़का से मैंने पूछा, भाई क्यों शादी कर रहा है? जानते हैं जवाब क्या है? घर में पापा मम्मा दोनों बुजुर्ग है, उनको देखभाल करने के लिए कोई नहीं है। मैंने बोला तो बंगाली मिलेगा रे 15,000 रुपए के लिए, तो इसको क्यों शादी कर रहा है तू? फोकट में काम वाली मिलती है ना शादी के, उम्र हो गई 28 हो गया, शादी करना है भाई? मुझे आज भी याद है मैं 33 साल में शादी किया, ठीक है? हर साल जब मैं पेरिस जाता था, रोज मिसा में जाते थे, तो मेरा एक अंकल है, दूर का रिश्तेदार है, बुजुर्ग है, करीब करीब 70, उस समय 70 72 73 था, 70 पार किया था। तो रोज मिसा में, मिसा खत्म होते ही बाहर आके सबसे पहला सवाल क्या पता है मेरे से? तेरी उम्र हो गई शादी कब करेगा रे, तेरी उम्र हो गई शादी, मैं थक गया सुन सुन के। चौथा दिन अंकल आके पूछे, नवीन शादी कब करेगा, तेरी उम्र हो गई। बोला अंकल आपकी उम्र कितना है? 72। अंकल मेरा दादा तो 70 में मर गया, आपका उम्र हो गया। हम में से बहुत सारे लोग इसलिए शादी क्या होगा, हमारी उम्र हो गई, या मेरे माँ बाप को देखभाल करने वाला कोई नहीं है, या सब लोग पूछ रहे हैं, या कुछ लोगों को पता नहीं है क्यों, आज तक भी पता नहीं है क्यों शादी है, 4 बच्चे हो गए हैं। पता चलेगा, रुको रुको मैं शुरुआत करूंगा एक कहानी से, ठीक है? हेलो कौन? पंडित? कौन पंडित? अच्छा तेल वाले पंडित जी। अरे क्या बात है जी, क्या बात है, क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी बाहर हूँ भैया। ठीक है ठीक है, तेल चाहिए आपको? कौन सा तेल चाहिए? एकदम ऑर्डर आप लगा दीजिए, गुरु जी फोन कर लीजिए, ठीक है? चलिए ठीक है। Hey!
अचानक से एकदम रैंडम घूम रहे हो। मेरा नाम है प्रियांशु कुटू, मैं बगीचा का रहने वाला हूँ। बगीचा हमारे छत्तीसगढ़ बगीचा से भाई पहली बार एक्चुअली यही मेरे को पहचाना था। मैं अभी कंफ्यूज हूं, मैं कहीं आपको याद कर रहा हूं। वो एक भैया है ना अविनाश भैया, उनके ब्लॉग में देखा था आपको, तब देखा था पहली बार। अविनाश देखो आपके ब्लॉग कर लूँगी, यहाँ मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा लगा भाई से लेके और हम लोग चलते आगे की और कुछ मिलते। थैंक यू। हमारे बीच में आदरणीय मैडम जी जो है अंबिकापुर की महारानी, और हम गरीब खाने में आए हुए हैं, करोड़ों का लाखों का जिसका कोई मूल्य नहीं है ऑटोग्राफ को दिए हैं, जिससे हम प्रफुल्लित हो गए हैं, इतने प्रफुल्लित हो गए हैं कि लड्डू पेड़ा समोसा जलेबी जो खाने खाएंगे सब खिला देंगे, है ना। हमारे बीच में आए बहुत अच्छा लगा, हमारी बहन छोटी है इन हाइट में अपने बराबर है, ऊपर हो जाएगी अच्छा लगेगा, है ना। अरे चल 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 चल। Let's try one more. Still there, Guna. Because you can be still, Guna. Okay, now both are good. Okay, let's make it a little complicated. Oh, this is for everyone. You are amazing! Okay, let's go, cause he's mighty, we talking about his love. He's a deliverer, he'll be a life changer, he can take a manly way, he can take a pain away, he'll be a mighty love, he'll be a shining. Lead us forevermore, people of every kind, every nation and every land, who come to the Lord Almighty singing song. Hey, oh, Abu, his name is you, the skies are ablaze, the sky is clear, the heart is free.
program will start at 8:30 after the breakfast with regional gatherings. ट्रिपल ऑन गोल्ड थोड़ा हे गाइस, आज लास्ट दिन है और हम लोग चौथा बस जा रहे हैं और मेरा गला ना अभी ठीक नहीं हो पाएगा, लग रहा है ऐसा लग रहा है नहीं होगा, अभी लग जाएगा होगा। यहाँ से अभी हम लोग निकल रहे हैं, तो गाइस मैं पूछना चाहता हूँ 3 दिन का और 14 दिन का आप लोगों का ये सेमिनार कौन सा बेहतर है? तीन दिन का सफर मजा आया बहुत, मेरा खाना थोड़ा थोड़ा हेलो गाइस, तो अब हम मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। ये तो ठीक ठाक था, तब तक के लिए बाय बाय। आज हमारा ट्रेन है 11 बजे। ओ गाइस, हम लोग यहाँ पर हैं तो और बहुत सारे लोग मिलने वाले हैं। बैठा हुआ है तो हमारा यहाँ जागो सीजन एंड होता है कॉन्फ्रेंस। वी आर लिविंग टू मेट्रो स्टेशन, मिलते हैं। तो हाय गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। यहाँ बहुत भीड़ है, हम
टिकट के लिए अभी क्यू में गए हैं भैया पता करने, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आप सही काम करें सर। गाइस, वी आर ऑल्सो गोइंग टू सेट द चैनल।